एक कप अच्छी चाय हो जाए तो सुस्ती दूर हो जाती है। सुबह हो या शाम, आपको ये कहते हुए लोग मिल जाएंगे। सुबह सोकर उठने के बाद लोगों की पहली डिमांड चाय ही होती है। जब चाय का इतना अधिक प्रचलन हमारे समाज में है तो चाय की खरीद भी भारी पैमाने पर होती है। ऐसी सूरत में चाय का ढाबा खोलना फायदे का सौदा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बात होगी आपसे चाय की चुस्कियों के बारे में। जब आप दोपहर का खाना खा लेते हैं ना, तो एक दो घंटे के ब्रेक के बाद चाय की तलब होती है। लगता है यार चाय कहीं से मिल जाए तो बस कोई पिला दे। मुझे तो ऐसा है कि खाना मैं खुद बना लूँगी, लेकिन चाय अगर मुझे कोई पिला देना वो भी मेरे टेस्ट की, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे टेस्ट की बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि चाय का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और चाय के बिज़नेस में कितनी लागत और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मुझे चाय पिलानी होगी। मजाक कर रही हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको किस तरह के बिज़नेस के बारे में और जानना है और ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर लिखिएगा कि आप मुझे चाय पे कब बुला रहे हैं और मैं चाय पीने कब आ सकती हूँ। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि चाय का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। चाय का ढाबा कहाँ खोलें? चाय का ढाबा या दुकान शहर या गांव में उस जगह खोलना चाहिए जहां पर हमेशा ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। वहां पर चाय का ढाबा खूब चल सकता है। इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, अस्पताल, कॉलेज, हॉस्टल, इंडस्ट्रियल एरिया, सिनेमाघर, कचहरी, तहसील, सरकारी कार्यालय जैसी जगह चाय का ढाबा खोलना चाहिए। गाँव में मेन रोड या नुक्कड़ में जहाँ लोगों का आना जाना अधिक हो, वो जगह भी चाय के ढाबे के लिए अच्छी है। चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल। हमारे यहाँ गाढ़ी चाय पी जाती है, इसके लिए आपको अच्छे फैट वाला दूध की ज़रूरत होगी। आपके इलाके में चाहे वो गाय भैंस का दूध मिले तो उसका इस्तेमाल करें, या पैकेट वाला फुल क्रीम का दूध इस्तेमाल करें। अच्छे फैट वाला दूध, चीनी, शक्कर या शुगर, चाय की पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी, चॉकलेट पाउडर, लेमन ग्रास। कौन कौन से लाइसेंस लेने होंगे? वैसे शुरुआत में केवल लोकल बॉडी का ही लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे दूसरे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। FSSAI का फूड लाइसेंस, लोकल बॉडी, नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत से फूड लाइसेंस, बिजनेस बड़ा होने पर GST नंबर। कितनी तरह की चाय की होती है वैरायटी? साधारण चाय, गुड़ अदरक की चाय, ग्रीन टी, तुलसी चाय, इलायची चाय, लौंग दालचीनी वाली चाय, लेमन ग्रास टी, ड्राई फ्रूट टी, चॉकलेट टी। चाय के बिजनेस में कितनी लागत आती है? चाय के बिजनेस में लंबी चौड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी दुकान अपनी हो या किराए पर, चाय बनाने का सामान, चाय का रॉ मटेरियल आदि पर खर्च अधिक नहीं होता है। ये बिजनेस 10,000 रुपये में शुरू किया जा सकता है। अच्छी चाय की दुकान 50,000 से 2,00,000 में खोली जा सकती है। इसके अलावा आप किस एरिया में दुकान खोलना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। जहां आपको आमदनी अधिक दिख रही हो वहां की दुकान महंगी हो तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। कितना मुनाफा होता है? चाय की दुकान में मुनाफे की कोई सीमा नहीं है। कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला सबसे अधिक लोकप्रिय बिजनेस है। मुनाफे का प्रतिशत आपकी चतुराई पर निर्भर करता है। यदि आप बिजनेस करते समय फिजूल खर्ची बचा लेते हैं तो आपका मुनाफा बढ़ जाता है। मुनाफा बढ़ाने के लिए आप अपनी दुकान पर चाय के साथ इस्तेमाल होने वाली अन्य चीज़ें भी बेचें तो आपका मुनाफा और बढ़ेगा। इस बात का अवश्य ध्यान दें कि मुनाफे के चक्कर में अपनी चाय की क्वालिटी ना बिगड़ने दें। फिलहाल इस बिजनेस में 50% मुनाफा होना तय है। चाय का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए? सबसे पहले आप अच्छी लोकेशन पर सस्ती दुकान तलाशें। वहां आप छोटी पूंजी से चाय बनाना शुरू करें और शुरू में बहुत कम पैसों में लोगों को चाय बेचें। चाय पीने वाले ग्राहकों की बातों को अच्छी तरह से सुनें और उनके द्वारा बताई गई अच्छाइयां और कमियां दूर करें। अपनी चाय का फीडबैक अवश्य लें। कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा स्वाद वाली चाय दें। जितनी अच्छी चाय बनाएं उतना ही अच्छा व्यवहार करें। दोनों को मिलाकर जब ग्राहक आपकी दुकान में बढ़ने लगे तभी समझें कि आपकी चाय की क्वालिटी अच्छी है। चाय को लोकप्रिय कैसे बनाएं? चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए आपको उस इलाके की पुरानी जमी हुई दुकान को देखना होगा कि वो कौन सी चाय की पत्ती और चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये सीखें कि इस क्षेत्र के लोग इस तरह की चाय पसंद करते हैं। आपको उससे अच्छी चाय बेचनी है तभी ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। गर्मी और सर्दी के सीज़न में होने वाले बदलाव को भी ध्यान में रखें। सर्दियों में लोग अदरक वाली चाय अधिक पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में अदरक से लोग परहेज करते हैं। उसका ध्यान रखते हुए अपनी चाय में अदरक की जगह इलायची का इस्तेमाल करें। इससे आपकी चाय की ग्राहकी और बढ़ेगी। मार्केटिंग कैसे करें?
गूगल माई बिजनेस में अपनी दुकान को दर्ज करा लें। आसपास की दुकानों के आसपास स्टिकर लगवाएं। जिस मार्केट में आप अपनी दुकान खोल रहे हैं वहां के लोगों से संपर्क बढ़ाएं। मार्केट तक अपनी चाय की डिलीवरी के लिए हेल्पर रखें और ग्राहकों के ऑर्डर का पूरा ध्यान रखें और समय पर चाय पहुंचाएं। चाय का बिजनेस मांगता है डेडिकेशन। चाय की दुकान चलाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चाय की दुकान सुबह जल्दी खुलनी चाहिए। सुबह ग्राहकों को आपकी दुकान खुलने का इंतजार रहता है। आपको सुबह 5 से 6 बजे के बीच दुकान खोलनी होगी। दुकान को भी नियम से खोलना होगा, यानी कि आपको अपनी सुबह की नींद का त्याग करना पड़ेगा। चाय बनाने वाले भी एक ही आदमी होने चाहिए जो चाय की क्वालिटी शुरू से एक जैसी बनाए रखे, तभी आप अपनी दुकान चला सकते हैं। आपको दुकान पर समय पर पहुंचना होगा, भले ही आपका सहायक देर से आए। सुबह 6 से 9 बजे तक आपकी चाय सबसे अधिक बिकती है। ये पूरे दिन की बिक्री का 80% हिस्सा होता है, इसलिए इस समय में किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहिए। यदि दुकान खुलने का नियम टूटा तो आपका ग्राहक भी टूट जाएगा, इसलिए हमेशा समय का ध्यान रखें। तो भाई, अब चाय 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 करते करते मुझे लग रहा है कि मुझे तो चाय पीनी है, थक भी गई हूँ और आप भी थक गए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा है तो आप इस बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं। तो आप भी चाय पीजिए, मैं भी चाय पीती हूँ। और चाय के साथ साथ ऐसा कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा अदरक, इलायची और हो सके तो लौंग भी डाल लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना दस्तक दे रहा है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।